डॉक्टर के साथ हाथापाई के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। जिला अस्पताल धौलपुर में गत दिनों एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर विवेक शुक्ला के साथ हाथापाई और अभद्रता कर दी थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर ने बुधवार को आरोपी सूरज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक सुरजीत लहचोरिया ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को प्रसूता रितिका जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती हुई थी। प्रसव के पश्चात उसे 2 दिन डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। उसके बाद जब अन्य प्रसूताओं का ऑपरेशन किया गया तो निगरानी वार्ड में भर्ती मरीज रितिका को अन्य वार्ड में शिफ्ट करने की डॉक्टर विवेक शुक्ला ने अपने सहकर्मी स्टाफ से बोला, जिस पर रितिका के परिजन सूरज ने डॉक्टर विवेक के साथ हाथापाई और अभद्रता कर दी। इसे लेकर डॉक्टर शुक्ला की ओर से कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पीपी सुरजीत लहचोरिया ने बताया कि इस मामले में 9 अक्टूबर 2024 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने मुलजिम सूरज के जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस दौरान सरकार की ओर से सुजीत लहचोरिया लोक अभियोजक ने पैरवी की। डॉक्टर विवेक जो सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में गायनिक वार्ड में तैनात थे, उसके यहाँ एक प्रसूता श्रीमती रितिका भर्ती थी, जिनका 2 दिन पूर्व ऑपरेशन करके बच्चा हुआ था। उसे 2 दिन निगरानी वार्ड में रखने के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाना था। डॉक्टर विवेक ने अपने कंपाउंड और सहकर्मियों से कहा कि वार्ड में प्रसूता रितिका को शिफ्ट कर दो। इसी बात को सुनकर रितिका का परिजन सूरज एकदम से नाराज हो गया और बोला कि कौन सा है जो मेरे मरीज को भर्ती करेगा, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेगा, मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। हल्ला की आवाज़ सुनकर डॉक्टर विवेक अंदर से आ गए। इतने में ही सूरज एकदम से नाराज हो गया और डॉक्टर विवेक का गलेवान पकड़ लिया, जान से खत्म करने की नीयत से गर्दन दबा दी और धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद डॉक्टर विवेक ने FIR कोतवाली में दर्ज कराई। FIR दर्ज होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मुलजिम सूरज की जमानत दरखास्त पर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद जी ने बहस सुनने के बाद जमानत दरखास्त खारिज की गई।